हाथों में फूलों का हार लेकर के नंदिक ब्राह्मण चले। और अरे कर्म मित करता था घटिया, और जा मारग पे जाय बनी थी शिव जी की मठिया। शिवजी का मंदिर बना था और ध्यान लगा हुआ था वैश्याओं में। जहां ध्यान लगो हुए आगे मैया काम करती हैं, अंदाज करके देखना, जहां ध्यान पहुंच जाए मैया आगे काम करती हैं। रास्ता में चलते जा रहे थे निंदे, अरे ठोकर की लगी बेप्रसोई गिर गौ है कर में, बताओ माला गई है झूठ गिरी जाए शिव के मंदिर में। अचानक रपट जाए या चाचा जी ठोकर लग जाए तो हाथ में कोई चीज होते सो कबहू कबहू ऐसो है यार लगा दूर गिरते उछट के। ऐसे ही उछट के हाथ में से माला शिवजी के मंदिर में चढ़ी गई। निंदक ब्राह्मण की मौत हो गई। यम के दूत पकड़ ले गए। पेशी भाई जगई के लेके कारनामा देखो कैसे काम करें इन्हें, जाकर लेखा जोखा उठाए के देखो जो इन्हें तो कुछ अच्छा करो ही ना, बढ़िया करो ही ना, घटिया ही घटिया कर्म करें इन्हें। पर मत मत एक काम बढ़िया करे आए थे, फूलन की माला चढ़ाया है शिवजी के मंदिर में। यमराज ने पूछी धर्मराज ने, ए जी बता पहले कर्म को फल भोगे को कब बढ़िया को निंदिक नहीं। मैंने मन में विचार करो मेरे सब जीवन घटिया घटिया करो, मैंने बढ़िया करो ही ना है, चुक में माला तो धोखे में ही तो चढ़ी गई, मैंने बढ़िया करो ही ना है। अब महाराज जी बताओ विचार मन में करो, घटिया कर्म सब जीवन करो वो तो भोगनो ही है मोय, बढ़िया कर्म को भोग कितो देर कितनी देर के लिए मिलेगो। बोले एक घड़ी के लिए माम। बोले कहा मिलेगा। धर्मराज बोले जो मांगेगा सो। तो निंदक ने कही पहले तो मुझे बताई दो मुझे बढ़िया काम बने कौन सो गो है, मैंने बढ़िया करो का है। बोले तुम मरे बेटे पहले शिवजी के मंदिर में फूलन को हाथ चढ़ाए के आयो जी, बढ़िया काम बने कौन है जब एक माला धोखे में चढ़ गई है, ताके बदले में एक घड़ी के लिए मांगू सो। और देखो एक चोर था, चोर चोरी करता था, उनको लड़का भाव, और चोर को जब समय पूरो भाव बुढ़ापो आओ तो अपने लड़का से कही, ए चोर के मन में कहा थी कि अबे तक तो मेरे जो चोरी करके लातू कमाई करके लातू तापे पल्ला हो जो लड़का, और मेरे मरवे के बाद करेगो का परिवार कैसे पालेगो। सो अकल बताई अकेले में ले जाएगी कभी कथा भागवत मत सुनना। क्यों? अगर कथा भागवत सुनेगो तो फिर चोरी ना कर पावेगो, और चोरी न करी तो परिवार कैसे पलेगा। इतना ही कह के जो चोर हथे सुबह तो मर गए, अब लड़का उनको चोर बनेगा।
चोरी करे परिवार पाले। एक दिन राजा के जहां चोरी भई, अब राजा के जहां चोरी भई तो जितने चोर हते नजर में सब लाइन में ठाने कर ले जी या तो अपने मोहत कबूल करो चोरी किन्ने करी है, और चोरी कबूल न करी तो मंदिर में ते काली आवेगी निकल के, काली निकल के आवेगी। और जो चोर लड़का बनो हो तो चोरी करके राजा साहब के यहां जब निकल के गौ तो रास्ता में भागवत चल रही थी कथा, ध्यान लगो हतो कि पिताजी ने जी कही कथा भागवत मत सुनना, सोई कानन में उंगलियां लगा ली दोनों, आवाज न पहुंच जाए कानन में उंगलियां लगी हती ठेब्बा लगो सो जो कठरिया ने धरी हती धनकी धरती पे गिरी कानन में तो उंगलियां निकल गई। ताई खन आचार ने शब्द बोला देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, आचार्य ने शब्द बोला देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। ऐसे बड़बड़ाए के उठो कटरिया डाल रही फिर मुनिया लगा ली कान में, शब्द पहुंच गया देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। ऐ चोरन की लाइन में लगे देखिए या तो चोरी कबूल करो नहीं तो काली आवेगी मंदिर में देने करके, और जो असली चोर ताई के ऊपर हाथ धरेगी फांसी लगा दी जाएगी, काली ने जा पे हाथ धर तो ताई है। अब सब ठाणे के हम तो चोरी करिए ना, और जाने चोरी करी सो विचार कर रहा है जब मैंने चोरी करी है तो कोई भी हाथ धरेगी काली, और जाखन काली मंदिर में देने करके चली। अब मां का काली असली धरी एक लड़का बनाए दो काली, कोई डर के मारे नाम बता दे कि मैंने चोरी करी है, अबे हिम्मत करके ठाणे रहे जो काली निकली सोई बात ध्यान आएगी आचार्य की, आचार्य ने कहा था देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। अबू का काली असली थोड़े यदि परछाई बनते आवे बाकी हिम्मत बढ़ेगी जी देवी ना है ना, जी ना है देवी जी असली काली ना है हिम्मत और बढ़ गई। अब काली घूमर रही जीव लिकारे और जाने चोरी ना करी थी ताकि ऊपर आके हाथ धोकर जान चोरी करी है। राजा साहब ने कही उठा फांसी चढ़वा। अब बाबू फांसी ले गए चंदे ले गए, असली चोर जो है तो सो बोलो महाराजा नहीं सुन लो तुम्हारी काली पे तो पहचान भाई ना है चोरी करी किन्ने चोरी करी है मैंने, और चाय का ले यार निर्दोष है तो फांसी लगा तो मैं लगा। राजा ने विचार करो जाने बात पकड़ ली मेरी, देख चोरी आज करी सो करी आज के बाद चोरी मत करना, और हम तो जा से बचाए रहे जा से फांसी बना चढ़ाए रहे कि तूने सच बोला है जा पे घर। अब लौट के चलो तब बाप की बात याद कर रहे हो, बाप ने कही थी भागवत मन सुनना एक शब्द कान में पड़ गया मेरे ताकि तो मेरी आज जान बच गई, अब पूरी भागवत सुन लूंगा तो पता नहीं कहां कहां हुई वो। अब निंदक सोच रहे हैं फूलन के बदले में एक माला के बदले में जो मांगू सो, अगर फूलन के बाहर थे इतना बड़ा मौका मिला है तब पाने गई महाराज मांग लू ये घड़ी के लिए। धर्मराज बोले मांग जो मांगेगा भाई मिलेगा पर मिलेगा एक ही घड़ी, ठीक है महाराज एक ही घड़ी चाहिए तो क्या मांगा निंदक ने हाथ जोड़ के कही चोर जन डर लयो मन पे और एक घड़ी को मोई चढ़ाई दो तुम
एक घड़ी को इंद्रासन पर चढ़ाए दो। धर्मराज ने कही इंद्र से, भैया बात की बात फंस गई है, नहीं को तरिया